करनी करके ना दांत मत खराब कर वाली है तो क्या देख मम्मी तो बड़े लंबे चैनल कामने सिंह, कैसे हो आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए जहाँ बैठते हैं हमारे धनु जी, वही क्या करना मत करते हैं। और अभी कह रहे हैं मम्मा थोड़ा सैंडल पहना दो ना, ये है तो ठीक है। और गाइज मैंने ये सूट पहन रखा है जिसको आप लोगों ने देखा था, मामा जी के घर में गई थी एनिवर्सरी पे, तो यही पहन के गई थी। फिर बाद में मैंने साड़ी पहनी थी, तो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि दी कुर्ती कहाँ से लिया। तो मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया था, ये कुर्ती जो थी ऑफलाइन थी, एनिवर्सरी पे मम्मी ने दिया था, मेरी एनिवर्सरी पे किसी शॉप से लाई थी, सो ये ऑफलाइन थी। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। देसी काम आजकल ज़्यादा कर रही हूँ ना, ये देखो पापा जी ने भी बोला, मम्मी लग रही थी भुट्टा कि भुट्टा पकाओ खाते हैं, पापा जी को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा इधर हट जाओ, इधर आओ मेरे पास। अच्छा मम्मा भी आई, मम्मा को पूछे गए ऑलिव पॉपली तो बहुत मीठा था। मम्मा जल्दी, मम्मा आप जल्दी आ जाएंगी, ठीक है? वहाँ से कितने मिनट लगाएंगे? मैं एक घंटे में आ जाऊँगी। ये देखो मैं आ गई। किसको बोल रहे हो? आपको ही। हेलो 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 गाइस, वेलकम। तो आपका कर चुके हैं लेकिन अब हम निकल चुके हैं अपने सड़कों पे। ओके और हमारा चुनी गया। मौसम कैसा हो? बारिश हो रही है, रिमझिम रिमझिम, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। कितना अच्छा था ना, यहाँ पे मेरा कोई रील बनाने वाला होता, वो रील बनाता एक मिनट, मज़ा आता ना, कितना मज़ा आता ऐसे मौसम में रेडी वेडी होके और रील बनाओ। ये देखो सो गाइस जा रही हूँ मैं अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने। आप लोग बहुत टाइम से मुझे कमेंट कर रहे हो, तो मुझे बहुत सारे काम है पार्लर में, तो ऐसा ना हो लेट ही हो जाऊँ। मुझे नहीं पता था कि बारिश आ रही है, ऐसा कुछ मौसम हुआ है, क्योंकि कल तो 7 बजे तक भी घर वापस आई ना तो धूप था, और आज बारिश का मौसम हुआ पड़ा है। और गाइज आप लोग हमेशा कमेंट करते हैं ना कि मैं पतली हो गई हूँ, सच में पतली हूँ। देखो ये मेरा रिंग गिर रहा था ना, उससे मुझे ध्यान आया ये रिंग एंगेजमेंट रिंग है, सब ये ना निकल रहा है ऐसे ऐसे, डर लगता है कि कहीं गिर जाएगा, ऐसे हो जाता है। सो मैं अपना हेयर कट करवाने जा रही हूँ, मैंने सोचा है लेयर कट करवा लेती हूँ बस। और बाल बहुत सारे मेरे जाने वाले हैं क्योंकि ये डैमेज हो चुका है, और उसके बाद घर पर आके मुझे डांट भी पड़ने वाली है। मम्मी को ऐसा लगेगा कि बाल छोटे क्यों करवा लिए, तो मुझे पता है मैं छोटे करवाऊंगी नहीं, मैं भैया से बोलूंगी जितना हो सके आप मेरा लेंथ कम करना, कम मत करना, मतलब कि लेंथ जो है कम करने की कोशिश करना, किसे कम कट करने की, लेकिन जितना जाना होगा उतना तो जाएगा। पर मम्मी को लंबे बाल अच्छे लगते हैं, छोटे नहीं। जब मेरी शादी हुई थी मेरे बहुत अच्छे बाल थे, फिर मैं दिल्ली आई, फरीदाबाद से दिल्ली, तो थोड़े बाल मेरे गिर गए कम थोड़े। फिर नोएडा जब शिफ्ट हुई तो सारे बाल ही ख़त्म हो गए यहाँ के पानी पे, मतलब कि थोड़ा मैंने ना इधर थोड़ा केयर भी करना वो कर दिया था, थोड़ा पता नहीं क्यों हेडेक भी रहता था हमेशा। आप लोगों ने बताया भी कि माइग्रेन हो गए, माइग्रेन में कह रहा कि प्रॉब्लम नहीं, पता नहीं फिर भी मुझे क्यों हेडेक इतना रहता है, इन सब की वजह से भी बाल झड़ते वड़ते रहते हैं, प्रॉब्लम चलता रहता है। मैंने जो ऑयल वगैरह स्टार्ट किया है ठीक है, अच्छा है, झड़ने कम हुए हैं। सो अब निकलते हैं और चलते हैं, थ्रेडिंग वगैरह भी करवाएंगे और घर पे आके टी टेन करेंगे, क्योंकि टी टेन का क्रीम मैंने खुद घर पे मंगा रखा है। चलते हैं अब रिक्शा आते हैं, तो बैठे रील बना, याद है आप लोगों को इसी सूट पर रील बनाया था, यहाँ से कोई निकला था बाइक से।
बिल बनाती हूँ आज पर सगड़ बट हेयर कट है ना स्पेशल आप लोगों को दिखाना वैसे सब कुछ होता रहता है तो इसलिए पार्लर नहीं करते लेकिन आज हेयर कट के स्पेशल आप लोगों को दिखाना है। आप भी नोएडा के सर गए बहुत अच्छा लगता है मुझे अंदर के एरिया में उधर जाते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं आप लोग बता रही हूँ कि मैं सब एक्चुअली मुझे पर्सनली बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते कमेंट करते मुझे नहीं पता रहता कि वो कैसे लोग हैं तो कुछ लोग मैं एक्सेप्ट करती कुछ लोग नहीं कर पाती हूँ तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे बता दूँ ताकि जिन लोगों को लेना है वो ले सके। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कमेंट किया था कि वो नोएडा में शिफ्ट होना चाहते हैं नोएडा में अपना ज़मीन लेना चाहते हैं या कुछ भी तो मतलब कैसा है सेफ्टी के पर्पस कैसा है तो सेफ्टी बहुत अच्छी है यहाँ पे। पहले मैंने सुना हुआ था कि सेफ्टी में थोड़ी प्रॉब्लम थी जैसे भी इतना सेफ्टी नहीं था बट अब सेफ्टी है रात को भी कहीं भी जा सकते हैं मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। हम 2 साल से यहाँ पे हैं हमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है भगवान हमेशा ऐसी रखे कभी कोई प्रॉब्लम भी ना हो। बट जिनको लेना है कुछ भी आसपास के एरिया में अपना कहीं भी देख सकते हैं ले सकते हैं। आप नोएडा में घुसोगे अपने आप पता चल जाएगा कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है आपको जट से लेना है ज़मीन प्लॉट लेना है या फ्लैट लेना है सब कुछ सुविधा है तो आप ले सकते हैं देख सकते हैं ठीक है। आप पर्सनली मुझे कमेंट करोगे मैं कितना आप लोगों को बता पाऊँगी इसलिए मैं ये वीडियो बना दे रही हूँ ताकि जिनको भी लेना हो देखना वो देख सकते हैं ले सकते हैं। बाकी इधर का जो माहौल है एरिया है वो काफ़ी अच्छा है मतलब बहुत खुला एरिया है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुविधा भी सब कुछ है। तेज बारिश होने लग गई है सारा गीला हो गया दिखाई दे रहा इधर का दिखाई दे रहा कहाँ लेके आते हो कटिंग करवाने नहीं देते परेशान कर देता मुझे वैक्सीन वगैरह भी करवानी उसमें तो आप कटिंग करोगे तब तक वो फ्री नहीं हो जाएंगे कितना टाइम लगेगा उनको पूजा चलेगी उनको निकाल दो मुझे नहीं दिक्कत है मम्मी डांटेंगी ज्यादा छोटा होगा तो अच्छा लगना चाहिए ना मुझे आपसे बोलने से पहले सोचना पड़ा बोलू नहीं बोलू हाथ मूव नहीं करता एक्चुअली पहले हाथ झेलता बहुत था मूव नहीं करता पहले होता था बहुत अब आपने जो कटिंग की है 2-4 लोग देखते हैं अब तो आपको तो कम से कम लाखों लोग देख के बताएंगे कि आपने कटिंग कैसे की है। आप ये वाला वीडियो देख के और उसके कमेंट्स देख लेना ठीक है फिर मुझे नहीं बताना पड़ेगा आपको खुद ही पता चल जाएगा कि लोग आपकी कितनी तारीफ कर रहे हैं आपके झंडे मार रहे हैं।
सीधे। सो गाइस, मैंने वहाँ पे अपनी हेयर कट तो करवा लिया, लेकिन अब मैं किसी और पार्लर में आई हूँ। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टाफ नहीं था, घर चले गए थे, लेट हो गया था। सो इस वजह से अब मैं यहाँ पे करूँगी थ्रेडिंग, और उसके बाद आप लोग बताऊँगा। मेरा अभी बाल बंद कैसे होगा? सामने जाऊंगी, मम्मी से तो आज डांट पड़नी है, बट देखते हैं मम्मी के पास जाती हूँ क्या होता है। और गाइस, कोई था सामने, एक्चुअली क्या कह रही थी मैं आपसे, बोल गए। हाँ, तो मम्मी ने बोला था बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कटवाने के लिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा कटवाने में कोई वो नहीं था, मतलब बाल मुझे थोड़े से पतले हो गए थे, तो कटवाना ही था। मैं अभी पतिदेव जी लेने आ रही हूँ, तब तक मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ, वो आएँगे फिर मैं उनके साथ जाऊँगी, मैं आइसक्रीम खा लूँगी, ठीक है, और फिर घर चलूँगी। और फिर मम्मी के सामने होगा धमाल बवाल। मुझे लग रहा है पहली बार इतने बाल छोटे हुए हैं शादी के बाद, ऐसे कटिंग करवाई है पहन के। मौसम कितना अच्छा हुआ है ना यार, मौसम ऐसे देखो पर बात कितना अच्छा लग रहा है। सो मस्त, मैं अपना चोकोबार खा रही हूँ यहाँ पे, और मुझे देव जी बस घर आ गए हैं। लिफ्ट ले रही हूँ आपसे। हाँ ले लो ले लो। कह रहे हैं बाल अच्छे नहीं काटे, क्या काटे, उन्हें सब काट दिया। उनको इतना मैंने उनको बोला कि आज मुझे स्कूटी से ही तो सही है, देखो मेरे बाल उड़ गए। अभी घर चलो ना, फिर मम्मी बताएगी क्या काटा है, ये सब काटा है। आराम से बाबू सो रहा है, मम्मी का मुंह जैसा पहले ठीक रहो। सत्यानाश ना सही में मम्मी मम्मी का रिएक्शन क्या, मम्मी एकदम बेकार कट हो गया ये ना। सत्यानाश का बाल मैंने पहले ही बोल दिया था, मम्मी के लंबे बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो देख रहा है कैसे वो हो रहा है, बढ़ जाएंगे, मुझे भी लगा कि बहुत कहीं नहीं बढ़ेगा, इतने साल में बढ़ रहा था, जब बढ़ रहा था काट काट के उसको बिल्कुल वो कर दिया। पहली बार कटवा, पहली बार क्यों, पहले नहीं कटवाए, इतना छोटा नहीं कर, मेरे को भी आराम से, लेकिन बाबू सो रहा है, बाबू सो रहा है। इससे क्या हो जाता है सही में यार, बाल डैमेज हो गया था, डैमेज हो गया तो वो तो मैं ही काट देती थी यहाँ से। चलो ठीक है, अब तो घर की खेती है, जितने दिन में बढ़ेगा बढ़ेगा। आपने छोट गया अब तो बढ़ गया ना, बढ़े क्या फर्क है। बाल कितने पतले हो गए हैं आपके, बालों की ना केयर किया करो, ये दिख नहीं रहे पहले, वरना शादी करके आए थे तो इतने मोटे मोटे। बाबू के होने के बाद भी आपके बाल कितने मोटे मोटे थे, वो फोटो में देखना,
उस वाली फोटो में अन्नू की शादी वाली सो गाइस, तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे अब एंड करती हूँ। रोज यहीं पे बैठ के एंड करती हूँ ना, मेरे बाल छोटे तो हो ही गए हैं और कुछ सेट नहीं था, ऐसे ही बस खोल के दिखाया ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे क्यों, कब से आए, अब सोने के टाइम पे क्यों दिखाया और मम्मी ने तब से क्यों नहीं देखा। तो पता है क्या हुआ, जैसे ही मैं अंदर घर में घुसी ना, तो हमारे बगल में एक आंटी जी रहती है, वो आई हुई थी, फिर अंकल जी आ गए, फिर उनसे बातें बातें होने लगी। मैं फटाफट से अपने रूम में आई और क्या किया ना, इसको ऐसे करके और ऐसे जुड़ा कर लिया है ना, और नहीं बोला मैंने मम्मी से। मम्मी ने भी जानबूझ के शायद नहीं बोला, मैं सोच रही थी कि मम्मी ध्यान नहीं दे रही या फिर याद नहीं है, कुछ ऐसे सोच रही थी। फिर क्या हुआ ना कि मम्मी जब फिर ना वो आंटी जी नीचे चले गई बातें करते करते मम्मी को लेके, तो काफ़ी टाइम हो गया, खाना वाना मैंने बना लिया, तब वो आए खाना खाने के टाइम पे, तो फिर पापा जी और सब खाना खाने लग गए। तो उस टाइम पे मम्मी ने जानबूझ के नहीं बोला कि फिर पापा जी देखेंगे तो डांटेंगे, पापा जी को भी बहुत गुस्सा आता है बाल कटवाने पर, ठीक है। तो क्या हुआ ना, जब पापा जी से मुझे याद आया ना कि फर्स्ट टाइम जब शादी के बाद मैंने एक साल तक बाल नहीं कटवाए थे, ऐसा कहते हैं कि जब शादी होती है ना तो एक साल तक बाल नहीं कटवाना चाहिए, तो इसलिए मैंने नहीं कटवाए थे। फिर मम्मी ने बोला नहीं पापा जी के सामने, और फिर बाद में कह रही है तो देखा है वो अपन बलवा कहे बंधले बारू हेगा, है ना, जब खाना खा रही थी मैं, तो मैंने बोला मम्मी मैं खाना खा रही हूँ। मम्मी की मैंने बोला कि मम्मी आपने देख लिया, तो लड़की मैं तब से देख रही हूँ, बस जानबूझ के बोल नहीं रही थी कि हाँ ऐसे जूड़ा बना के घूम रही, तभी से मैं ध्यान दे रही हूँ कि पक्का ये पूरा छेवरवा के आई बारी पूरा कटवा के, तभी इसको जूड़ा बना के घूम रही है ताकि दिखे ना। और आप लोग पता है मुझे वहाँ पे भी वो भैया ने बोला था कि जूड़ा बना लो, पता नहीं चलेगा घर में। मैंने बोला उसके बाद तो पता चलेगा ही, मम्मी बोलेंगे ही दिखाने के लिए। तो फिर मम्मी ने बहुत डांटा, कह रही है कि सच में डांट ही रही थी वो कि ऑन कैमरा भी कि मतलब कि मम्मी को ना छोटे बाल नहीं पसंद बिल्कुल भी, तो उनको लग रहा है तो पूरा ही कटवा ले, छोटे तो हो ही गए हैं, इतने छोटे बाल कभी भी शादी के बाद नहीं करवाया, शादी से पहले एक बार ही करवाया था। मैं हमेशा शुरू से ही ना, जब से मेरे बाल लंबे हुए, लंबे ही रखे हैं, 6th-7th class से ना मेरे बाल लंबे ही हैं, कमर के नीचे तक ही रहे हैं, बाद में अब झड़के ऐसे हुए थे, वरना मेरे बाल बहुत सुंदर थे। मतलब कि कोई वो बैक पेन वगैरह होता है ना, वो भी नहीं लगता था, इतने घने बाल थे, तो बाल मेरे बहुत सुंदर थे। बट अब तो क्या कर सकते हैं, जब इतना डैमेज हो गया, झड़ गया, तो खैर छोड़िए, मम्मी की डांट पड़ गई और हम इसे यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं। आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि कैसे लग रहे हैं, क्योंकि डैमेज तो हो ही गया था तो कटवाना जरूरी था, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, कैसी कटिंग हुई है, एंड अब मैं कैसे लग रही हूँ। अभी तो नहीं पता चलेगा, अब मैं कहीं घूमने के लिए निकलूंगी या रेडी होंगी तब आप लोगों को पता चलेगा। तब तक बाय बाय।